हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। और आज हम बात करेंगे एविल इंजेक्शन के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखना चाहिए और इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, एविल इंजेक्शन सनोफी कंपनी का बेस्ट इंजेक्शन है। इसकी प्राइस है ₹3.34 पर एम्पुल। ये ग्लास बेस का 2 ml का एम्पुल है जिसका कंटेंट है फेनरामिन मेलेट 22.75 mg। इसके बेस्ट यूजेस एलर्जी, खुजली चलना, नाक बहना, सफर के कारण होने वाली उल्टी, आंख में जलन, आंख में सूजन और छींकना आदि के इलाज में किया जाता है। एविल इंजेक्शन अल्किलामाइन है। ये एक हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर विरोधी है। इस एविल इंजेक्शन को खासतौर पर एलर्जी और खुजली की रोकथाम में यूज किया जाता है। अगर आपको किसी छोटे मोटे कीड़े ने काट लिया है या आपने गलती से कोई कीड़ा काटा खा लिया है जिस वजह से आपकी पूरी बॉडी पर लाल निशान या चकते पड़ गए हैं और खुजली चल रहे हैं तो वहां ये इंजेक्शन काफी फायदेमंद है। अगर आपके कोई मेडिसिन रिएक्टेड है और आपने गलती से उस मेडिसिन का यूज कर लिया है तो उस मेडिसिन से होने वाले रिएक्शन को रोकने में ये बहुत ही असरदार इंजेक्शन है। किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रिएक्शन की स्थिति में आपके शरीर पर चकते पड़ जाना, बहुत तेज खुजली चलना और चेहरे आदि पर सूजन आ जाना आदि, तो इन सभी समस्या से निजात दिलाने में इस इंजेक्शन का काफी यूज किया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है और उस कारण आपको सर्दी होके नाक बहना शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में भी ये काफी यूजफुल है। और भी अगर आपकी आंखों में जलन है या आंखों में सूजन है या फिर सफर के दौरान आपको खाली उबके आ रहे हैं या उल्टी होती है तो वहां भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। वहीं बात करें इस एविल इंजेक्शन की सावधानियों के बारे में तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एविल इंजेक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन के यूज के समय आप शराब का सेवन न करें क्योंकि शराब के साथ इसके यूज से आपको ओवरडोज, नींद आना और यहां तक कि दौरे का कारण भी बन सकता है। इसका यूज आप ओनली अपने डॉक्टर की देखरेख में उनके प्रिस्क्राइब पर ही करें। इस इंजेक्शन के यूज के बाद आप किसी भी तरह के वाहन को चलाने से बचें और प्रेग्नेंट महिला और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज ना करें या फिर अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इसका यूज करें। ये एविल इंजेक्शन IM और स्लो IV यूज है। अगर आप इस इंजेक्शन का IV यूज कर रहे हैं तो इसे बहुत ही स्लो लगाएं, नहीं तो इसके फास्ट IV करने से मरीज को ठंड लग सकती है, घबराहट हो सकती है और भी कई अन्य परेशानियां हो सकती हैं। ये एविल इंजेक्शन इंजेक्शन के अलावा टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। आप हल्की प्रॉब्लम में टेबलेट का यूज करें तो बेहतर रहेगा। वहीं बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो है सांस फूलना, धुंधली दृष्टि होना, चक्कर आना, मुंह सूखना, अनिद्रा होना और सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी कोई अदर साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई अदर साइड इफेक्ट होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको एविल इंजेक्शन का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।